दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद राजधानी पटना में हड़कंप मच गया है। प्रशासन के रडार पर जिले के सभी कोचिंग संस्थान आ गए हैं और सभी कोचिंग संस्थानों में जांच के आदेश पिछले दिनों ही दिए गए थे, जिसके बाद अब बड़ा एक्शन ले लिया गया है। बता दें कि पटना जिला प्रशासन ने राज्य की राजधानी में संचालित पंजीकरण के लिए अयोग्य पाए गए 124 कोचिंग संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के बाद हुए हादसे के बाद से पटना में जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण कराने को कहा था। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि हमें कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए पिछले 10 दिनों में कुल 936 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 413 कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण आवेदन पहले से ही संसाधित किए जा चुके हैं, लेकिन शेष बचे 523 आवेदनों में से 138 पंजीकरण के लिए अयोग्य पाए गए। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के मुताबिक इन 138 कोचिंग संस्थानों में से 14 कार्यरत नहीं थे और पंजीकरण के लिए अयोग्य पाए गए बाकी 124 कोचिंग संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। पटना के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 124 कोचिंग संस्थानों के बारे में यह आदेश जारी किया गया। वहीं अधिकारी ने बताया कि पंजीकरण के लिए अयोग्य पाए गए 124 कोचिंग संस्थानों की सूची जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ये संस्थान अब संचालित न किए जाए। साथ ही यह भी बताया गया कि 523 आवेदनों में से 138 पंजीकरण के लिए अयोग्य पाए गए कोचिंग संस्थानों के अलावा अन्य संस्थानों के पंजीकरण के लिए आवेदनों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जारी अभियान के दौरान जिन कोचिंग संस्थानों के दस्तावेजों को सत्यापित करने की आवश्यकता है, उनमें संबंधित अधिकारियों से अनिवार्य अनुमति और अन्य आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र शामिल है। वहीं अधिकारियों की माने तो जिला प्रशासन के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे उन कोचिंग संस्थानों को तुरंत सील करें जो बेसमेंट से संचालित है या कोचिंग संस्थान चलाने के मौजूदा मानदंडों का उल्लंघन है। बता दें कि नोटिस प्राप्ति के साथ उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने पर प्रथम अपराध के लिए ₹25,000 और द्वितीय अपराध के लिए ₹1,00,000 के दंड का प्रावधान है। वहीं द्वितीय अपराध के बाद निबंधन रद्द किए जाने का भी प्रावधान है। वहीं कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वैध निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किए ना तो स्थापित किया जाएगा और ना चलाया जाएगा। वहीं कोचिंग संस्थानों की आधारभूत संरचना के अधीन प्रति क्लासरूम में प्रति छात्र न्यूनतम 1 वर्ग मीटर जगह होगा। क्लासरूम में प्रवेश एवं निकास अवरोध मुक्त होना चाहिए। साथ ही बिल्डिंग बॉयलर्स और अग्नि सुरक्षा के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। तो इस तरह के आदेश सख्त तौर पर प्रशासन की ओर से तमाम कोचिंग संस्थानों को दिए गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।